हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है सभी का। तो विद म्यूजिक आप लोगों का स्वागत हो चुका है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, टॉप एजुकेटर, टॉप बैचेस, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं आप उनके टॉप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। टीम ऑल स्टार बैच, सफलता बैच, लक्ष्य एसएससी सीपीओ बैच, सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच, ये आपका कंप्लीट बैच ऑन जर्नल स्टडीज। आज का डाउट फीचर का लाभ उठाइए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। बी लाइव कोड लगा के आपको एडमिशन लेना होगा। हर संडे आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, कॉम्पेट देना है, और साथ ही ये टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पे देना है। ये टेस्ट आपके होते रहेंगे। रेज योर हैंड कीजिए लाइव क्लास में और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए अपने टीचर से ऑन द स्पॉट। तो मैं चाहूंगा जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पर लाइव ज्वाइन करें। मोस्ट वेलकम एवरीवन। देखिए, कॉम्बैट जब देना है तो बी लाइव कोड लगा के आप कॉम्बैट दीजिएगा इस संडे भी। चलिए, जब भी एडमिशन लीजिए। अच्छा देखिए, एक एडवांटेज आ गया एडमिशन में, आपको यहाँ पर 8 मंथ का फ्री मिलेगा। आप अगर 2 ईयर का लेते हैं, बी लाइव कोड लगा के पहले डिस्काउंट मिलेगा, प्लस कॉइन का डिस्काउंट मिलेगा 10% यहाँ से और 10% यहाँ से। आज जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को ना रीजनिंग प्लस जीएस के 25 क्वेश्चन लेके आऊँ, यानी डेली आपके 25 क्वेश्चन मैं तैयार कराऊंगा। इसका एडवांटेज आपको कहाँ मिलेगा? इसका एडवांटेज मिलेगा, आप एक चीज समझिए, अगर आप मेरे साथ डेली 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और 25 नहीं, मैं आपको 75 क्वेश्चन डेली के तैयार कराऊंगा, और 75 क्वेश्चन यानी 25 × 30 के हिसाब से अगर देखें तो 750। और अगर आप यहाँ देखें 75 क्वेश्चन अगर मैं आपको डेली तैयार कराऊं, 30 दिन में आप 2250 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो सोचिए, छोटी सी मेहनत में, थोड़ी कम मेहनत में हम ज्यादा तैयारी कैसे करेंगे, ये मैं आपको आज कर इस बार कराने वाला हूं। और ये प्रोसेस मैं कोशिश करूंगा कल से शुरू करना। तो कल से पॉसिबिलिटी है कि हमें जीएस प्लस रीजनिंग दोनों मिल जाए। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। बढ़ते हम लोग आज की क्लास की तरफ, और बहुत तेजी से क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करना, क्योंकि आज कंपटीशन हाई है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोग करोगे क्या, आप लोग मेरा नाम सर्च करोगे अनअकैडमी पे, अंकित गर्ग एसएससी कैटेगरी में। अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना एंड बी लाइव कोड लगाना और फ्री क्लासेस लेना शुरू करना। देखिए, पहला स्टेप क्या है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको एग्जाम चूज करना है, एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम चूज करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना, एडमिशन लेना। एडमिशन लेने के बाद चूज करना 24 मंथ्स वाला कोर्स, और यहां पर आपको 8 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी ये 24 महीने नहीं, 36 महीने का पूरा कोर्स होगा, सॉरी 32 महीने, 32 मंथ्स आपको टोटल हो जाएगा। एंड प्लस आप जो कोड लगाओगे बी लाइफ, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा 10% का अलग, एंड प्लस कॉइन आप अलग से रिडीम कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए, आपकी जो फीस थी 7800 की जगह ये हो गई, क्योंकि 10% कट गया। अगले पेज पे आपको कॉइन भी रिडीम करने हैं। प्रोसीड करिएगा यहाँ से, देखिए कॉइन आपके पास 210 थे, ये भी कम हो गया, अब फीस बची 6831 रुपये, आपको पे कर देने नहीं है और डेली बेसिस पे क्लास लेनी है। अब एक और बहुत अच्छी चीज सुनिएगा, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं लाइव, आज शाम को मेरी ये जबरदस्त क्लास आ रही है। और ये क्लास कहाँ पर आपको मिलेगी, अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी पे ये क्लास जबरदस्त तरीके से मिलेगी शाम को 6:45 पे। तो जितना भी बच्चा है इस क्लास को जरूर ले, एनी हाउ ले, क्योंकि ये क्लास जबरदस्त क्लास होने वाली है। नेक्स्ट, स्पीड टेस्ट। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से करिएगा। आपको करना क्या है, इसको एक ऑर्डर में लगाना है, एक सीक्वेंस में लगाना है, और जैसे आप सीक्वेंस में लगाएंगे तो बताइए वो सीक्वेंस क्या हो सकता है। सोच समझ के आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा डियर। सीक्वेंस में लगाना है एक डिक्शनरी ऑर्डर, एक डिक्शनरी ऑर्डर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। Mm
देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको फंस जाए तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शंस पे आइए। ऑप्शन देखिए, या तो एक से शुरू है या पांच से या चार से। तो ऑप्शन या तो एक या चार या पांच, आप पहले एक और पांच और चार को कंपेयर करिए। पांच और चार में कंपेयर करेंगे तो फोर पहले आएगा, यानी फाइव तो कट हो गया। और जैसे आपका फाइव कट हो गया तो आप क्या करोगे, आप उसको रेड मार्क कर दीजिए, यानी जो पांच से शुरू हो रहा है आप उसको रेड मार्क कर दीजिए, ये तो बाहर हो गया। अब वन एंड फोर में कंपेयर कीजिए। जब आपने वन यहाँ देखा CADA और फोर में क्या था CADD, तो CADA पहले आएगा, यानी आपका फोर वाला भी बाहर हो गया। अब देखिए, वन के बाद टू लिखा है तो ये तो फिक्स रहेगा ही। अब आंसर थ्री होगा या फोर होगा, अब आप थ्री एंड फोर में कंपेयर करिए क्या पहले आएगा। अगर आप देखिए तो फोर पहले आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी है और यहाँ पर यू है, तो ABCD में डी पहले आएगा, तो यानी फोर पहले आएगा। ये वाला सही हो गया, ये गलत हो गया, तो ये गलत ये गलत, करेक्ट आंसर हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर करेक्ट किया है, एंड दैट्स वेरी गुड, बहुत सही है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ, ध्यान से करिएगा। यहाँ पर आपको ढूंढना है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ग्रेमी इज रिलेटेड टू म्यूजिक, जिस तरह से ग्रेमी आपका रिलेटेड है म्यूजिक से, इन द सेम वे ऊबर कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं कितने लोगों को नॉलेज है इसकी। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आप लोग तेजी से दीजिएगा। बेटा, इसका करेक्ट आंसर है बैडमिंटन। अब बैडमिंटन क्यों, जिस तरह से ग्रेमी अवार्ड जो होता है वो म्यूजिक के लिए दिया जा सकता है, उसी तरह से जो उबर होता है, उबर कप जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरह का टूर्नामेंट होता है जो कि महिलाओं के लिए विश्व कप की तरह एक आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है आपका ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बी। अच्छा, कोई बताएगा ये क्या है? रिलेशन ढूंढना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन पे तो आ जाए। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर मिल जाएगा। देखिए, बी टू का रसायन नाम क्या है, ये इसी तरह से बी थ्री का क्या होगा, नाइसिन। नाइसिन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है डियर? नेक्स्ट, रिलेशन ढूंढिए। 23, 30, 37, बड़ा सिंपल है। अब ध्यान से देखिएगा,
23 के बाद आया 30, 30 के बाद आया 37, क्लियर दिख रहा है, प्लस 7 प्लस 7। सेम लॉजिक आपका कहाँ लिखा है, देखिए 6, 13 एंड 20, प्लस 7 यहां पर भी है, प्लस 7 यहां पर भी है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। EOMN, E की पोजीशन कितनी होती है 5, O की पोजीशन 15, M की पोजीशन 13, N की पोजीशन कितनी हो गई 14। अब यहां पर देखिएगा HRPQ 8, 18, 16 एंड यहाँ पर हो गया Q17, तो यहाँ पर देखिएगा प्लस थ्री, सभी जगह आप लोगों का प्लस थ्री चल रहा है, तो आप यहाँ पर भी लगा दीजिए YTRS। Y की पोजीशन 25, T की पोजीशन 20, R की पोजीशन 18 और S की पोजीशन 19। यहाँ पर भी आप प्लस थ्री करते जाइए, जैसे ही आप प्लस थ्री करोगे, प्लस थ्री करने के बाद आपको कितना मिल गया 28, 28 का मतलब हो गया B, फिर देखिए 23, 23 का मतलब हो गया W, 18, 3, 21, 21 का मतलब हो गया U एंड 19, 3, 22, 22 का मतलब हो गया B, BWVU, करेक्ट आंसर हो गया ये। और जल्दबाजी में लोग बाग इसको आंसर कर जाते हैं, ये गलत है, करेक्ट आंसर आपका मिला ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। ओ ब्लड रिलेशन का एक जबरदस्त क्वेश्चन, अच्छा एक काम करिए, ये वाला क्वेश्चन ना मैं होमवर्क के लिए दूंगा, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं यहां पर, क्योंकि इसमें ये, चलिए एक काम करिए सॉल्व कर लीजिए, मैं अपनी पिक्चर छोटी कर देता हूं क्योंकि शायद काफी लोगों को ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, लीजिए मैंने अपनी पिक्चर छोटी कर दी, अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वापिस से, क्वेश्चन सॉल्व करिए। पूछ रहा है इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, इसको समझ लीजिएगा, आसान है, ठीक है ना। सुनील, चित्रा, अनीता, अंकित, राहुल, इंदु, मोहम्मद, जुबेन, अंजलि, प्रगति, रितनेश, अंजलि गुप्ता, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मिस्टर स्ट्रेंजर, विश्वजीत, आनंद, मिस्टर स्ट्रगल, मिस्टर स्ट्रेंजर, इंदु, वेरी गुड, कीप इट अप। आपको इसी तरीके से आंसर करना है क्वेश्चंस का। अच्छा ये वीडियो तो लाइक करो मेरे भाई, वीडियो क्यों नहीं लाइक करते हो आप लोग, वीडियो तो एटलीस्ट लाइक करो। अब कुछ बेसिक टिप्स देने जा रहा हूँ, किसी भी पुरुष को एक बॉक्स के अंदर रखा जाएगा, किसी भी एक फीमेल को एक सर्कल के अंदर रखा जाएगा, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए आपका एक प्लस का साइन लगेगा, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए एक डॉट का साइन लगेगा, अब यहां पर देखिए पहली चीज,
ए डॉलर बी, जिसका अर्थ था क्या पिता है, यानी पहले वाला बाद वाले का है, और कहीं कहीं बाद वाले का भी रिलेशन दिया था, जैसे ये बाद वाले का रिलेशन दिया है। तो इक्वेशन को समझना पड़ेगा, आर मल्टीप्लाई टी, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चलेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब है पहले वाला बाद वाले की पत्नी है, यानी आर जो है वो पत्नी है किसकी, टी की। हमें जैसा कहा गया है तो यानी ये पति हो गए, और जब पति हो गए तो यानी पुरुष हो गए, तो हमने यहाँ रखा और ये पत्नी हो गई। दोनों के बीच में हम लोगों ने एक चीज स्पेशल की, वो क्या की, हमने इन दोनों के बीच में एक डॉट लगा दिया, जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हस्बैंड वाइफ के बीच हम लोग एक डॉट लगा देंगे, लगा दिया। अब अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या कह रहा है, टी डॉलर, डॉलर का मतलब कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यानी पहले वाला बाद वाले का पिता है, तो यानी टी जो है वो पिता है किसका, पी का पिता, ये हो गया पिता, किसके लिए, पी के लिए, और मैं जिस कलर से लिख रहा हूँ उसी कलर से आपको इंडिकेट भी कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, अगला कलर हम लेते हैं पर्पल, यानी यहाँ से यहाँ रिलेशन है हैश, हैश यहाँ पर है, तो यानी बाद वाला पहले वाले की बेटी है, तो ये दैट मीन्स यहाँ पर एस बेटी है किसकी, पी की, पी का जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन पी की बेटी है एस, बेटी हो गई तो किसकी, पी की, हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब हम लेंगे रेड, यहाँ पर लिखा है एस एट द रेट यू, एट द रेट यहाँ से आया, यानी बाद वाला पहले वाले की माँ है, तो यानी यू माँ है किसकी, एस की, अगर यू एस की माँ है तो ये इसकी बेटी है, तो यू यहाँ पर आ गई और ये हो गई माँ, और जब ये माँ हो गई तो ये कौन हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा, क्योंकि इसकी बेटी है, तो ये हो गया इसका क्या हो जाएगा, पति, और पिता हो जाएगा इसका एस का, क्लियर है, ये हमें आइडेंटिफाई हो गया। लास्ट स्टेप बचा, उस लास्ट स्टेप को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं अगेन ग्रीन से, यू एंड, एंड का मतलब क्या है, यानी यू जो है, यानी यू एंड क्यू, यानी पहले वाला बाद वाले का क्या लगेगा, ए बी की बहन है, यानी यू बहन है किसकी, क्यू की, तो यू बहन है क्यू की, यू बहन हो गई क्यू की, क्यू यहां आ गया। अब क्यू भाई है या बहन है ये नहीं पता पड़ रहा है, मेल है या फीमेल है, लेकिन एक चीज क्लियर है, पी क्यू से कैसे संबंधित है, तो पी जो है वो भैया जीजा है, जीजा है किसका, क्यू का, और क्यू का जीजा है, तो आप उसको क्या बोलते हो, ब्रदर इन लॉ, यानी यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, ब्रदर इन लॉ। नो डाउट ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगेन ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप ऐसे कर सकते थे, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ दिलीप सेड, मान लीजिए दिलीप है और इसने एक फोटो की तरफ देखते हुए कहा, मान लीजिए ये फोटो है किसी की, कह रहा है वह मेरे दादा, यानी दिलीप के दादा कौन होंगे, जो इसके पापा होंगे उनके पिता, ये दादा हो गए किसके, दिलीप के, इनके पा हो गए, क्लियर, वह मेरे दादा
कि एक लौते बच्चे, अब एक केस में दादा और कह सकता है वो, यानी यहाँ पर कहता है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मदर के केस में भी बन सकता था, लेकिन जो भी है एक लौते बच्चे, एक लौता बच्चा चाहे माँ हो या पिता हो, वह मेरे दादा के इकलौते बच्चे की बेटी है। तो यानी वो इकलौता बच्चा बेटा है या माँ है कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बेटी है। तो दिलीप की कौन हो गई? बहन हो गई। और दिलीप कौन हो गए? भाई हो गए। तो पूछा क्या है, दिलीप तस्वीर में दिख रही लड़की से कैसे संबंधित है? भैया भाई लगेगा, कजिन, और सॉरी रियल ब्रदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज सी। नेक्स्ट, आंसर कीजिएगा सोच समझ के। कह रहे बैलगाड़ी, बुलडोजर, लोडर, खोदक मशीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा बुलडोज, यहां पर हो जाएगा बैलगाड़ी, बाकी सब आधुनिक यंत्र वो है मशीनें। करेक्ट आंसर हो गया ये। नेक्स्ट, ऑड वन आउट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डिजिट्स दी गई हैं। अब कौन सी डिजिट में ऑड वन आउट आप ढूंढोगे और कैसे ढूंढोगे, इस पे ध्यान देना बस। क्या लॉजिक लगेगा, कैसे आप इसमें ऑड वन आउट ढूंढ सकते हो? विच वन इज ऑड वन आउट, जो बाकी सबसे अलग है। तीस सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, 30 सेकंड के बाद मैं डिस्कशन करूंगा। देखिए कुछ डिफरेंस है, कुछ एडिशन है, कुछ मल्टीप्लिकेशन है, या कोई लॉजिक लग रहा है। देखिए डिफरेंस कितना है, 23 का, यहां भी डिफरेंस 23 का, यहां डिफरेंस कितना है 22 का, एंड यहां देखिए डिफरेंस कितने का है 23 का। तो ऑड वन आउट आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी यहां पर ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जो बाकी सबसे अलग है अलग ढूंढिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द, विच इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब यहां पर कह रहा है कि विषम ढूंढना है आपको, ऑड वन आउट ढूंढना है। लॉजिक फॉर थ्री ऑप्शंस आर सेम बट वन इज डिफरेंट, तो वो डिफरेंट क्या होगा? क्लियरली दिख रहा है, अगर आप यहां पर देखेंगे दिस वन इज वॉट, ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 25 है, इसलिए आंसर क्या डी। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग का एक एडवांस क्वेश्चन है जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एडवोकेट आप लोग आंसर कीजिएगा, मैं लिख देता हूं।
अब यहां पर देखिएगा बेटा, ये जो चार है VOCA बीच वाले हैं, एंड यहां पर देखिए फर्स्ट टू एंड लास्ट टू कहां आ गए, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। अब देखिए TORN फर्स्ट टू लास्ट टू, ATEY करेक्ट आंसर हो गया सी। सी इज द करेक्ट आंसर। इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता, मुझे लगता है 30 सेकंड भी ज्यादा है यहां पर देने के लिए। अगर आप तेजी से आंसर कर सकते हैं तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए पेंट, ये उल्टा कर दिया पूरा पूरा। ट्रेन का क्या होगा, TRAIN यानी NIART, NIART ऑप्शन सी परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए क्या होगा लॉजिक। मरकरी, मरकरी का ये है, जुपिटर का क्या होगा, मैं लिख देता हूं NGUG XTZ। तो जिसको समझ में आ गया वो आंसर कर सकता है। 13 5 18 3 21 18 25, 14 7 21 7 14 20 26 +1 +2 फिर देखिए +3 +4 फिर है 24 होता है। अच्छा ये तो फिर यहाँ +3 यहाँ +2 एंड +1, यानी पहले घटा पहले बढ़ा फिर घट गया। इसी तरह से जब आप करेंगे जुपिटर में JUPITER, तो देखिए +1 10 11 11 यानी के 21, +2 यानी 23 हो गया, 23 यानी W, तो K के बाद W की वाली की जगह आया है, बाकी चेक मत कीजिए। करेक्ट आंसर हो गया आपका D, और टाइम बचाइए आगे बढ़िए, क्योंकि जितना टाइम सेव कर लोगे उतना बेटर है। SSC एग्जाम मतलब टाइम मांगता है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है बेटा, यही छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जो शॉर्टकट हो जाती हैं और कॉन्सेप्ट से निकल के आती हैं। अब जैसे देखिए काइट का क्या होगा, काइट का क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है ध्यान से करोगे तो। देखिए जेड का क्या हुआ, 26 है जब आप TANK कर रहे हो, T कितना होता है 20, A कितना होता है 1, N कितना है 14 और K होता है 11। 20 और 1 21, 21 21 और 11 आपका, अच्छा एक काम करो इन दोनों को जोड़ लो, ये हो गया 25 और ये हो गया 21, दोनों को जोड़ने के बाद 46 आया। हाँ जी लॉजिक मिल गया। तो जब आप काइट का करोगे KIT, तो आप क्या ये लिखोगे ना बेटा, सीधे नंबर लिखो 11 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 5, ये मिलके 20 हुआ, 20 40 5 45, करेक्ट आंसर हो गया 45। तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम बचाना है, और टाइम ऐसे बचेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता टाइम बचाने का। पूछ रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताइए, सिंपल क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 30 सेकंड का टाइम फिर से दिया, और बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। देखिए कल से GS एड हो जाएगा यहाँ पर, होपफुली जहां तक है हम लोग टाइटल चेंज अगर हो जाएगा तो,
जीएस भी ऐड हो जाएगा, नहीं होगा तो जल्दी ऐड हो जाएगा, 1-2 दिन में 25 क्वेश्चन जीएस के भी करेंगे, दे देना दन। पंद्रह? अच्छा, काफी लोगों ने कहा 15 सर। चलो मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा और हाईलाइटनर से पूछूंगा, और बड़ा आराम से इत्मीनान से आप बताना मुझे, बस इतना बताओ इस वाले बॉक्स में कितने ट्राइंगल हैं, ये जो पूरा येलो है। अगर आप इसमें बता ले गए ट्राइंगल, नहीं कितने स्क्वायर हैं, स्क्वायर पूछा है आपसे यानी वर्ग, यहां कितने हैं पहले येलो वाले में बताओ, 5 है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, ये ग्रीन वाले में बताओ, ग्रीन वाले में कितने होंगे, अगर ग्रीन वाली लाइन ले लें, ग्रीन वाला पोर्शन। यहां से भी 5 होंगे तो 10 हो गए। अच्छा अब इन 10 के बाद हमें ये बताइए यहां कितने ट्राइंगल होंगे, वो स्क्वायर होंगे, बार बार ट्राइंगल मुंह से निकल रहा है, हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा सर 2, बेटा यहाँ 3 मिलेंगे। 3 पता है कैसे मिले, 2 तो छोटे वाले, 1 2 और 1 ये बड़े वाला पूरा, 3 यहाँ से मिले, इसी तरह से 3 यहाँ से मिलेंगे, तो 6 और मिल गए, आंसर हो गया 16, 16 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये डाइस का क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर किसके अपोजिट पूछा है, एट द रेट के अपोजिट पूछा है ना, एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा। देखिए कॉमन क्या था, कॉमन था यहाँ एंड, एंड से चले आप एट द रेट से डॉलर, तो देखिए एंड एट द रेट डॉलर, इसी तरह से जो नेक्स्ट था वो क्या था, आपने किया एंड एट द रेट डॉलर, दूसरे में क्या किया आपने एंड एस और टी, तो ये इसके अपोजिट आया, ये इसके अपोजिट आया, एट द रेट के अपोजिट आ जाएगा एस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑड वन आउट क्वेश्चन नंबर 17, फोर प्लस 8 प्लस 6 18, 3 प्लस 7 प्लस 8 18, 7 प्लस 6 प्लस 5 18, 1 प्लस 9 प्लस 5 क्या होगा यहाँ पर, 15 ऑड वन आउट क्या होगा, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यार यहाँ पर पूछ रहा है बताइए मिरर इमेज क्या होगी,
मिरर इमेज यहां बनती है, हमेशा याद रखिएगा। माय डियर देखिए, जब कांस्टेबल बनेगा तो सी तो लास्ट में जाएगा, लेकिन कुछ लेटर ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। जैसे यहाँ देखिए एस, एस कभी इस तरह से नहीं बनेगा, एस जब बनेगा तो ऐसे बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका बी, बी इस तरह से नहीं बनेगा, बी भी उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एन, एन इस तरह से नहीं बनेगा, एन भी उल्टा हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर बना वो बना आपका ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी एकदम करेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, ये भी एक पिक्चर है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। सोचिए थोड़ा सा, आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहले जब वाटर इमेज बनेगी तो वाटर इमेज नीचे बनेगी, तो ये जो वाला पिक्चर है ये ऊपर की तरफ आएगा और ऐसा उल्टा हो जाएगा। पहले हम बेस पिक्चर की बात करते हैं, तो ये यहाँ पर गलत मिला। एरो जो था वो इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, ऊपर है लेकिन रहेगा राइट साइड ही, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये गलत हुआ। नेक्स्ट, ये स्टार है, ये स्टार आपका देखिए सिंगल साइड ऊपर है, तो सिंगल साइड नीचे होगा, सभी में है और नीचे की तरफ है, यानी स्टार तो सही है। अब बात होती है इस ट्राइंगल की, ये जो ट्राइंगल ऐसे था ये ट्राइंगल अब ऐसे हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। इस तरीके से, और देखिए यहां गलत हो गया, ये आंसर हो गया डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन का है जिसमें आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, अगर आप उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद वो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए डिवीजन का मतलब क्या बोला गया था, डिवीजन का मतलब बोला गया था माइनस, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस। प्लस का मतलब बोला गया था डिवीजन, तो बेटा यहाँ आ जाएगा डिवीजन, अगेन यहाँ पर भी डिवीजन आ गया। मल्टीप्लाई का मतलब था प्लस, मल्टीप्लाई कहीं है नहीं है प्लस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, ये आ गया। एंड डिवीजन का मतलब क्या था भैया, डिवीजन का मतलब था माइनस, ये आ गया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए,
जैसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 42 माइनस 64 डिवीजन 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10 डिवीजन 5। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डिवीजन पे फोकस करना है। आप यहाँ से फोकस कीजिए और यहाँ से फोकस कीजिए। फोकस किया तो 8 आ गया और फोकस किया तो 2 आ गया, यानी 42 माइनस 8 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 2। तो ये 8 दिया कितना हो गया 24। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, प्लस के लिए बोला गया था यदि प्लस ओके माइनस डिवीजन माइनस ओके। तो यहाँ पर ये बेटा आपका बना 24, माइनस का 24 माइनस का 2 एंड 42 प्लस का, तो यानी 42 माइनस 26 हो गया। और जब 42 में से आप 26 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 16। 16 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ढूंढिए लॉजिक। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होता, छोटे से ही आंसर मिल जाता है, थोड़ा करोगे उससे भी आंसर मिल जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सा था, क्यू की पोजीशन 17, 18, 19, 20, 21, यानी यू। दो आंसर बाहर, बीच का तो सेम है, लास्ट का चेक कर दो। आर एस टी यू वी यू ए वी यू ए वी, यानी आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से आंसर कीजिए। सोचिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। पी का 16, आर का 18, 20, 22, 24, तो पहला लेटर आ गया 26, यानी जेड। ऐसे ही होगा ना, कुछ गलत हो रहा है क्या? यहां पर सीरीज बनाने के लिए कह ही नहीं रहा है, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क भी नहीं कह रहा है, यहां पर आपको यह भी नहीं बोल रहा है कि आपको नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करना है, आपको यह बोल रहा है कि आपको गलत पथ फाइंड आउट करना है। तो अभी तक देखिए यहां तो सिक्वेंस 2 का दिख रहा है, आप जब अगला स्टेप देखेंगे, अगला स्टेप मान लीजिए एन है 14, 17 प्लस 3 17, 3 20, 20 और 3 23, और 23 और 3 26, यहां तक भी सही था। अब लास्ट वाला भी भैया हमें देखना पड़ेगा, एम की पोजीशन 13, 17, 13 चार 17, 17 चार 21, 21 चार 25 होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 25, यानी वाई, यहाँ जेड कैसे आ गया? तो जो गलत पद है वो है आपका ए, ए इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट।
ए इज द करेक्ट आंसर। अगली सीरीज पे आ गए हम लोग, अगले क्वेश्चन पे। देखिए पी 16, एन का 14, एल का 12, जे का 10, एच का कितना आ जाएगा 8। 16 माइनस 2 14, 12 10 8, तो 6, 6 यानी एफ हो गया। भैया दो ऑप्शन देखते ही बाहर हो गए। अब देखो सी की पोजीशन 3 4 6 9 13, तो जब देखिए 3 4 9 6 13, इसको हम लेते हैं रेड पेन से, 3 प्लस 1 4, प्लस 2 6, प्लस 3 9, प्लस 4 13, प्लस 5 18, यानी आर। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहां पर दोनों की वैल्यूज का सम बीच में लिखा है, 16 3 19, 14 4 18, 12 6 18, 10 9 19, और देखिए 8 और 13 21। इसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा 24। 24 आंसर हो गया ए। इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पारुल मीना वेलकम इन रीजनिंग क्लास। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, 17 51। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई 3 होगा तो लास्ट में आएगा 9 और 5 51, 150 153, 1539 करेक्ट आंसर हो गया आपका, ये ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सोचो और आंसर करो। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। उन्नीस दूनी 38, 38 प्लस 5 43 दूनी 86, प्लस 4 90 दूनी 180, प्लस 3
18 दुनी 36, 30 प्लस 2, हर बार एक कम हो रहा है, मल्टीप्लाइड 2। तो देखिए 368 मल्टीप्लाई विथ 2, 8 दुनी 16 का 86 ले, 6 दुनी 12 और 1 13, 3 दुनी 6 और 1 7, इतना आ गया और +1 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 737। 737 इज द करेक्ट आंसर। एंड मेरी नेक्स्ट क्लास कब है? 6:45 पे। अब ये 6:45 पे आपको कहाँ मिलेगी? वैसे तो ये क्लास एंड हो गई है, बट मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं एक बार बता दूँ कि आज की जो क्लास है वो आपको कहाँ और कैसे मिलेगी। तो उसके लिए ज़रा एक मिनट वेट कर लीजिए, आज शाम को 6:45 पे मेरी क्लास मिलेगी आपको अनअकैडमी पे। ट्यूसडे टॉप, ट्यूसडे स्पेशल ट्यूसडे क्लास है ये, टॉप 25 क्वेश्चंस रीजनिंग रिवीजन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये जबरदस्त क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि आज शाम को क्लास में लूंगा। तो जल्दी से इस क्लास में जुड़िए, तेजी से अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आइएगा, कोड अप्लाई कीजिएगा बी लाइव, बी लाइव कोड लगा के आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है ना? और रीजनिंग के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय, मैन लव यू ऑल, टेक केयर।